हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नदीम टेलीकॉम 7274 में। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आईटेल मोबाइल की आवाज़ हम किस तरीके से बंद कर सकते हैं। ये बार बार बोलता है और हम अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो किस तरीके से इसकी आवाज़ बंद कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें जो बटन हम दबाते हैं तब ये बोलता है, कॉल आती है तब ये बोलता है, तो इसको किस तरीके से बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे, जिससे आप आसानी से एक बार में सीख सकें और आपको कोई भी परेशानी नहीं आए। तो सबसे पहले हम सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाएंगे और वहां से इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद में फ़ोन सेटिंग पर जाएंगे। फ़ोन सेटिंग वाले ऑप्शन पर जाकर दो नंबर पर भाषा सेटिंग आता है, इसको ओके करेंगे। अब ऊपर इंग्लिश आ रहा है तो हम इसकी लैंग्वेज चेंज कर लेंगे। अब ये हमारा मोबाइल फ़ोन इंग्लिश में हो गया है। अब फ्रेंड्स हम मेनू वाले ऑप्शन पर जाएंगे और ये जो चाबी वाला निशान है इस पर हम जाएंगे। ये एक्स्ट्रा का निशान है, एक्स्ट्रा का ऑप्शन है, इसको हम ओके कर लेंगे। ओके करने के बाद में सबसे ऊपर किंग वॉइस नाम का ऑप्शन है, उसको ओके करेंगे। और दूसरे नंबर पर रीड मेन्यू आ रहा है, इसको हम ओके करेंगे और इसे हम ऑन है इस टाइम हम ऑफ़ कर लेंगे। तो जो भी ये आवाज़ आती है ये पड़ता है तो ये आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। उसके बाद में रीडायलिंग, यानी कि हम जब फ़ोन करते हैं तो इसमें आवाज़ आती है, तो इसको भी हम ऑफ़ कर लेंगे। और उसके बाद में आता है रीड इनकमिंग, तो इसको भी हम ऑफ़ कर लेंगे। और इसके बाद में आता है रीड मैसेज पाँचवें नंबर पर, इसको भी हम ऑफ़ कर लेंगे। तो जो जो हमें ऑफ़ करने हो, जिसकी आवाज़ बंद करनी हो, उसको हम ऑफ़ कर लेंगे, बाकी को ऑन रहने देंगे। रीड टाइम पर आवर, तो इसका मतलब ये हर घंटे जो बोलता है टाइम बताता है, तो इसको भी हम ऑफ़ कर लेंगे, ये भी बंद हो जाएगा। चाहे तो आप ऑन रख सकते हैं, तो आपके अपने हिसाब से इसकी किसी भी आवाज़ को बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब ये मैं बटन दबा रहा हूँ तो इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।